गंगापुर नाम का एक गांव था। वहां राधे श्याम अपनी पत्नी के साथ रहता था। गंगापुर में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव में पानी दूसरे गांव से या दूसरे कस्बों से आया करता था। ओफो, कितनी गर्मी है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिमालय जाकर बस जाऊं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस गांव में हिमालय, पानी, बंजर जमीन की बातें मत किया करो। अरे, अब पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अब उस बारे में बात भी ना करें? उतने में गांव के नायक और उनके आदमी वहां पर कई सारे ड्रम, टंकी और ठंडे पानी की बोतल लेकर वहां आते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव के नायक श्री केशव महाराज यहां पर आ रहे हैं। लगता है नायक जी गांव में हर साल की तरह पानी और कपड़े बांट रहे हैं। मैं हर साल बस इसी का इंतजार करती हूँ। चलो चलकर पानी ले ले, वरना पूरा गांव उसी पर टूट पड़ेगा। राधे श्याम और उसकी पत्नी वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि पानी में गंदे गंदे कीड़े घूम रहे हैं। तब राधे श्याम ने नायक के दरबान से कहा, इस पानी को तुम हमारे पीने के लिए लेकर आए हो, इंसान अगर इससे नहा भी लेना तो भी बीमार हो जाए। हाँ, ये सही कह रहे हैं, अगर घर के बच्चे ये ऐसा पानी पिएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जो है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेना है तो लो वरना मैं चला। ए जी, क्यों मुंह लग रहे हो, जो है वही ले लीजिए। नायक का दरबान वहाँ से चला गया। गांव वालों ने जैसे तैसे पानी पीने की कोशिश की। उस गंदे पानी को पीने से आधे गांव वाले बीमार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन सारे गांव वाले राधे श्याम से मिलने गए। हम सब नायक के घर जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो, आज फैसला हो ही जाए इस पानी की समस्या का। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सारे मिलकर गांव के नायक के घर जाते हैं। उस वक्त नायक ने गांव वालों को देखा और वो सारा माजरा समझ गया। देखो, मेरे पास इस इलाज का कोई उपाय नहीं है, तुम चाहे जो कर लो, मैं अब कहीं से पानी की भीख नहीं मांग सकता। आपके भेजे हुए गंदे पानी की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। उनकी बातें बिना सुने ही नायक अपने कमरे में चला जाता है। उसे जाता देख राधे श्याम और अन्य गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, खेती का समय भी आ गया है। हमें ही कुछ तय करना होगा, आज तो हमारे गांव के नायक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अगर इस साल भी हमने खेतों को बंजर छोड़ा तो हमारे खेत, घर बार, सब कुछ मुश्किल में आ जाएगा। इससे हमें कैसे भी निकलना होगा। गांव बहुत ज्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबके प्राण संकट में हैं। गांव वाले मिलकर चर्चा कर ही रहे थे कि उनके गांव में घुड़सवार आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। क्या ये गंगापुर गांव है? मैं यहां आपकी सहायता के लिए आया हूं। कृपया करके हमारी जान मत खाना, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैं भी इसी गांव का हूं। तब जाकर घुड़सवार ने अपने बारे में सारी बातें बताई। कई साल पहले मेरे पूर्वज इस गांव में आकर बसे थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब हमें इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। जरूर तुमने कोई चोरी की होगी, आखिर घोड़े पर भी तो आए हो। चोरी तो नहीं, मुझे और मेरे परिवार को तंत्र विद्या करने की वजह से इस गांव से निकाला गया था। लेकिन तुम्हारे परिवार को निकाला क्यों गया था, क्या समस्या आ गई थी? गांव में हर साल भव्य पूजा हुआ करती थी ताकि गांव में बरसात हो, लेकिन मेरे परिवार के कुकर्मों की वजह से आज गांव इस मुसीबत में है। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा लालच के चक्कर में मैंने उस वक्त उस पूजा से गांव के खेतों के जादुई बीज चुरा लिए थे। ये बात जब पंडित जी को पता चली तो मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकलवा दिया। उस पूजा के फल स्वरूप भगवान ने हमें आशीर्वाद के तौर पर मुट्ठे भर जादुई बादलों के बीज दिए थे, लेकिन हमने भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद चुरा लिया और इसी वजह से हमें निकाल दिया गया। बादलों के बीज, ये क्या होता है? वो बीज अब कहाँ है और उससे क्या होगा? उस बीज से हम बादल उगा सकते हैं। हर खेत में बादलों के पेड़ होंगे जिससे गांव के खेतों को पानी मिलेगा। और उन बीजों को मैंने हमारे पुश्तैनी खेत में दफना दिया था, जिन्हें मैं आज लेकर आया हूँ। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतरकर
अपनी झोली में रखे उन चमकते हुए बीजों को निकाला और गांव वालों को दिखाने लगा, जिसे देखकर सब दंग रह गए। राधे भैया, आप जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आइए। राधे श्याम गांव जाकर गंदा पानी लेकर आता है। सब मिलकर खेत में जाते हैं। अब आप सब इस बीज की ताकत देखिएगा, मैं इन बीजों को अभी बो देता हूँ। आप सब कल सुबह आकर देखिएगा, ये बीज बादलों के पेड़ बन चुके होंगे। जैसे ही उस घुड़सवार ने उन बीजों को खेत में बोकर पानी डाला, पूरी रात गांव वालों ने इंतजार किया। देखते ही देखते उस खेत में से बादल बाहर निकल आया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? हमारे गांव में अब बरसात होगी, अब हम भी खुश रहेंगे। घुड़सवार ने अपने झोले से सारे बीज निकाले और पूरे गांव वालों में बांट दिए। सभी गांव वालों ने उसे ले जाकर अपने अपने खेतों में बो दिया और फिर सभी के खेतों में बादल उगाए। गांव में मानो जैसे खुशियों का मेला निकल आया हो। आज सबसे पहले मैं इन बादलों के पानी से नहाऊंगा। तब राधे श्याम ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब तक हमारे गांव में क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले ही आ जाते तो गांव में इतनी तकलीफें नहीं होती। मुझे इस गांव के नायक ने यहाँ आने से मना किया था। बस बस, अब हमसे झूठ मत बोलिए। नायक जी तो बड़े अच्छे हैं। गंदा पानी ही सही, उन्होंने हमारी कई सालों तक मदद की है। अब ये बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने, भला नायक जी ऐसा क्यों करेंगे? उस वक्त उस घुड़सवार की बात को सब टाल देते हैं। गांव वालों की खुशी का नायक को पता चल जाता है। तब वो अपनी चाल चलने को सोचता है। इन गांव वालों को हमें मुट्ठी में रखना ही होगा। मैंने ये भी सुना है कि रघु फिर से गांव में आ गया है और गांव वालों को शक्ति बीज दे दी। जी मालिक, ये बात सच है। अब आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। उनके बादल उनके खेतों में जब रहेंगे तब ना। तुम जाकर सारे बादल चुरा लेना और हमारे घर के पीछे जो गौशाला है उसमें रखवा देना। याद रहे, ये काम तुम्हें सारे गांव वालों के सो जाने के बाद ही करना है। इससे क्या होगा मालिक? तो कहीं के तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे क्या? बादल चुराने पर सारे गांव वाले हमारे कदमों में आ जाएंगे। नायक के नौकर ने सारे गांव वालों के खेतों से बादल चुरा लिए और नायक जी के घर के गौशाला में रखवा दिए। जब सुबह हुई तो सारे गांव वाले उन बादलों को ढूंढने लगे और घुड़सवार से पूछने लगे। जरूर तुमने ही हमारे बादल चुराए हैं, तुमने आते ही अपना रंग दिखा दिया ना। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर तुम्हें बादल लेने ही थे तो हमें बादलों के बीज दिए ही क्यों? लेकिन मैं उन्हें क्यों चुराऊंगा? तुम सबको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। एक तो बादल चुराए और अब हम गांव वालों से जुबान लड़ा रहे हो। उतने में वहां पर नायक का नौकर भागते हुए आया। चलो चलो, नायक जी का घर पानी से डूब रहा है, नायक जी की जान खतरे में है। हम कुछ समझे नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? नायक जी ने अपने घर के पीछे गौशाला में तुम्हारे बादल चुरा कर रखवा लिए थे, जिस वजह से उनके घर में बादलों की बारिश से बाढ़ आ गई है। और वहाँ जाकर देखते हैं, नायक उस बाढ़ में फंसा हुआ होता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना मैं यही खत्म हो जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। नायक की मदद की आवाज सुनकर घुड़सवार और राधे श्याम दोनों उनके घर पानी में चले जाते हैं और नायक को बादलों की बारिश से बचाकर बाहर लेकर आते हैं। मुझे माफ कर देना, गद्दी की लालच के कारण मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफ तो कर देंगे हम, पहले इन बादलों को सब अपने अपने खेतों में रखवाओ, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। सबने बादल वहाँ से अपने अपने खेतों में लगवा लिए। इस नायक को हमें इसी हालत में छोड़ देना चाहिए, उम्र भर ये इसी गांव में रहकर पछताएगा, तब मजा आएगा। नायक को उसकी बुरी हालत में छोड़कर सबने घुड़सवार को गांव का नया नायक घोषित कर दिया और खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। आनंदपुर गांव में लाला जी की अंगूरों की खेती थी, जो उनका नौकर बलदेव उसे संभाला करता था। लाला जी बीच बीच में खेत देखने आ जाया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है लाला जी, मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से मोटे मोटे अंगूर उग रहे हैं। अच्छी बात है,
मोटे अंगूरों का ज्यादा दाम मिलेगा हमें। जी लाला जी। लाला जी ने बलदेव को पगार पर रखा था। बलदेव एक बहुत अच्छा किसान था, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लाला जी के खेतों पर किसानी करता था और इसके बदले लाला जी उसे हर महीने तनख्वाह देते थे। रोज शाम 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए निकल जाया करता था। एक दिन की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर के गुच्छे गायब थी। कल यहाँ ढेर सारे अंगूर के गुच्छे थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, लगता है मुझे ही कोई आभास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर, जाने दो। बलदेव ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपना काम करने लगा। रोज रात 7 बजे वो अपने घर के लिए निकल जाता। अगले दिन भी वही हुआ। बलदेव अंगूरों के खेत पहुंचा और वहां कई अंगूरों के गुच्छे गायब थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ सच में अंगूरों के गुच्छे देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई मेरे अंगूरों को चोरी कर रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं आज रात को उस चोर को कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। बलदेव ने ठान ली कि रात को वो अंगूरों के चोर को पकड़ेगा। शाम के 7 बजे और बलदेव रोज की तरह अपने खेतों से निकल गया। पर इस बार वो अपने घर नहीं गया, बल्कि पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। बलदेव ने अपने साथ एक लाठी ले रखी थी। आज रात को उस चोर की चटनी बना दूंगा मैं, फिर वो कभी भी मेरे अंगूरों को चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव खेतों पर नजर लगाए बैठा था। आधी रात हो गई, लेकिन चोर अब तक आया नहीं था। अभी तक वो चोर क्यों नहीं आया? बलदेव परेशान था, पर फिर भी वो नजर रख कर बैठा था। आखिरकार सुबह 6 बजे जैसे ही हल्की रोशनी आई, रोशनी के साथ कुछ परियां उसके खेत में आ गई। बलदेव ने देखा कि उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे तोड़ दिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चोरी कर रही थी। बलदेव दौड़ता हुआ खेतों में पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, तो भला आप लोग मेरे अंगूरों को चोरी क्यों कर रही हैं? तो इस फल का नाम अंगूर है। हमारे परीलोक में ये नहीं उगाते, पर उस दिन हमने जब ये अंगूर खाए तो हमें ये बहुत पसंद आए, तब से हम इन्हें तोड़कर खा रहे हैं। पर आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूरों को खा लेंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और काम से भी निकाल देंगे। अरे रे रे, क्षमा कीजिए, हमें सब बातें पता नहीं थी, पर हमें ये अंगूर बहुत पसंद है। लेकिन हम तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आएंगे? आप हमें वहाँ अंगूर उगाना सिखा दीजिए और इसके बदले हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे देंगे। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम अपने अंगूर खुद उगाना सीख भी जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूर की बीज ले ली और फिर परियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बलदेव का भी, और कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ उड़ने लगा। बलदेव परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ रहा था। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आई। इस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल थे। ये तो अद्भुत है। बलदेव सारा बगीचा देखकर खुश था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई है। ये बादल बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह है। इस पर जो भी बीज उगाओगे वो धरती की भांति ही उग जाएंगे। बलदेव ने उस बादल पर कुछ अंगूरों के बीज छिड़के और उसके बीज छिड़कते ही बीचों से अंगूर के पौधे निकल आए। काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना होता है और तो और इनकी जांच भी करनी होती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाए। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लगते हैं, यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ मिट्टी नहीं है ना,
हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, समय पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव बोल ही रहा था कि उसके सामने वाले अंगूर के पौधे में अंगूर का एक गुच्छा दिखने लगा। वो देखकर परिया बहुत खुश हुई। वो देखो वहाँ अंगूर उग गए, अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वादिष्ट अंगूर हम खुद अपने ही बादलों पर उगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। परी ने फिर से जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा मटका आ गया। इस मटके में सोने की मोहरे थी। इतनी सारी सोने की मोहरे देखकर बलदेव की आंखें फटी की फटी रह गई। हमें जब आपकी जरूरत होगी हम वापस आपसे मिलने आएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परिलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था, उसके हाथ में वो मटका भी था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर गया। इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परिया? बलदेव ने अपने परिवार को पूरा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पहली कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती होती है। अब तो मानो या ना मानो पर सच तो यही है। बलदेव ने बड़ा सा घर खरीद लिया और अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूर की खेती शुरू कर दी। अब उसे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी, वो परियों का शुक्रगुजार था। बादलों पे खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल दी।